हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है कुछ दिनों से एक रेंज में है, और ये रेंज है नीचे का लेवल ये है 16,440 का, और जो ऊपर का लेवल है 16,800, इसके ऊपर निफ्टी नहीं निकल पा रहा है। तो इस रेंज को जब ब्रेक करेगा, या तो ऊपर के रेंज को ब्रेक करे 16,800 तो बुलिश हो जाएंगे, नीचे 16,400 को ब्रेक करे तो हम बेरिश हो जाएंगे। तो ये निफ्टी का लेवल्स है, जिस लेवल के बीच जब तक ट्रेड करता है तो हम साइडवेज हैं। वही 15 मिनट चार्ट पर बात करें तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 16,570 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक नीचे का ट्रेड हमें मिल सकता है। वहीं फ्लैट खुलने के बाद ऊपर अगर निकलता है तो ये यहाँ पर 16,800 तक निफ्टी जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। लेकिन बात करें ऊपर जाने का, तो अभी काफ़ी कम संभावना है कि ये 16,800 तक जाए। अब वैसा कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट रहता है, पॉजिटिव न्यूज़ रहता है तो जा सकता है, लेकिन तो फिर ये उसी तेजी के साथ ऊपर नहीं जा सकता है जिस तेजी से नीचे आया। तो यहाँ पर हो सकता है हमें एक साइडवेज देखने मिले, यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम के बाद ये एक रेंज बनाए और उसको ब्रेक करके ऊपर जाए, या तो यहाँ पर ये फ्लैट खुलता है एक रेंज बनाने के बाद नीचे के लेवल को ब्रेक करता है 16,570 को, तो फिर ये नीचे आ सकता है। अब बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होने के बाद आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे कि प्राइस एक्शन वहाँ पर कैसे बनता है। देखिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी को कौन से स्टॉक्स मूव करा सकता है। तो अभी तक निफ्टी को जो स्ट्रॉन्ग बना के रखा है वो है रिलायंस। देखिए रिलायंस अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 11% का वेटेज है निफ्टी में। तो यहाँ पर रिलायंस, यहाँ पर जो ये देखिए रिजेक्शन कैंडल बना है, ये वीक्स बता रहा है, इसमें जो वीक है कि रिलायंस यहाँ से थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम कर सकता है तो निफ्टी और ज़्यादा वीक होगा। तो रिलायंस के स्ट्रॉन्ग रहने से निफ्टी में वीकनेस हमें काफ़ी कम देखने मिला है। वहीं दूसरा जो वेटेज है निफ्टी में वो है HDFC बैंक का। तो जब हम बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे तब हम HDFC बैंक की चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है इन्फोसिस, 5% के आसपास का वेटेज है। इन्फोसिस में देखें तो इन्फोसिस यहाँ पर अभी कोई खास बुलिशनेस नहीं देखने मिला है, थोड़ा सा एक दो दिन तक इसमें ग्रीन कैंडल देखने मिला, लेकिन और इस मोमेंटम में भी कुछ खास स्ट्रेंथ बचा नहीं है। यहाँ पर ये स्टॉक साइडवेज हो चुका है। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऊपर आता है या नीचे, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर इन्फोसिस 1475 को ब्रेक करता है तो ये फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ये निफ्टी को भी वीक कर सकता है। अगर ये ऊपर निकलता है 1555 के तो फिर ये बुलिश हो जाएगा इन्फोसिस, 1575 के ऊपर जो है इन्फोसिस बुलिश हो जाएगा तो फिर ये निफ्टी को भी ऊपर सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद आता है TCS, TCS का भी वेटेज इन्फोसिस से थोड़ा सा कम है। तो TCS भी देखिए, TCS में थोड़ा सा यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने मिला, लेकिन मोमेंटम में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए मोमेंटम है लेकिन मोमेंटम में कुछ खास स्ट्रेंथ देखने नहीं मिला है, क्योंकि स्टॉक्स एक लंबे डाउन ट्रेंड में है। लंबे डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा ये पुल बैक हमेशा देखने मिलेगा। अगर ये पुल बैक कंटिन्यू रहता है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल होगा कि TCS जो है अपना ट्रेंड रिवर्स कर चुका है, तो बेयरिश से ये बुलिश हो जाएगा, तो फिर ये निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। फिर जो अगला स्टॉक है जिसका लगभग 5% के आसपास वेटेज है वो है HDFC लिमिटेड। से देखिए फिर से ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा एक इसमें रिकवरी या कहें पुल बैक देखने मिला था, और इस पुल बैक में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, मोमेंटम कोई खास स्ट्रेंथ भी नहीं था, और यहाँ पर फिर से ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अगर ये यहाँ पर 2270 के नीचे निकलता है, 2240 के निकलता है नीचे, तो पूरी तरह से ये बेरिश हो जाएगा 2240 के नीचे। तो ये निफ्टी को मूव कराने वाले स्टॉक्स थे। तो बैंक निफ्टी की जब चर्चा करेंगे, बैंक निफ्टी को मूव कराने वाले स्टॉक्स में जिसमें HDFC बैंक है, HDFC बैंक निफ्टी को भी मूव कराता है। अब देखिए बात करते हैं हम निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक यहाँ जबरदस्त एक रेड कैंडल बनाया है, जो रेड कैंडल बता रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो पूरी तरह से बेरिश हो चुका है। अब कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, साथ ही साथ ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी है, क्योंकि ये कई सारे कैंडल को इनगल्फ कर रखा है। तो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल जो दिखाता है कि यहाँ पर बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन ये तब कंटिन्यू होगा जब ये इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन है ऊपर का जो लेवल है सपोर्ट का पहला वो है 35,290 का, और नीचे का जो लेवल है वो 35,000, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर 34,800। मतलब ये ओवरऑल ये जो रीजन है ये सपोर्ट रीजन है, तो इस रीजन को जब तक ब्रेक करके ये 34,800 के नीचे फिर से बैंक निफ्टी नहीं निकल जाता तब तक हम पूरी तरह से बैंक निफ्टी में बेरिश नहीं होंगे। अगर 15 मिनट चार्ट पर बात करें तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, पहला 35,290, इसको ब्रेक करता है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये डाउनवर्ड मोमेंटम एक हमें दिखा सकता है, जो कि है 34,800 तक का, या 35,000 तक का भी दिखा सकता है, क्योंकि 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फिर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद अगर ये एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद ऊपर की ओर मोमेंटम करता है, तो ऊपर की ओर बैंक निफ्टी का जाना उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक हमें शार्प सेलिंग देखने मिला है। लेकिन अगर यहाँ पर कंटिन्यू करता है तो ये 36,100 तक के लेवल तक जा सकता है ऊपर। ये इम्पॉर्टेंट एक रेसिस्टेंस जोन है, तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स है। काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होने के बाद फिर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से वहाँ पर ट्रेड करेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन सा स्टॉक्स है जो कि बैंक निफ्टी को मूव करा सकते हैं। तो पहला HDFC बैंक, लगभग 29% वेटेज है निफ्टी बैंक में। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पर एक इसमें मोमेंटम देखने मिला, मतलब कहें एक डाउन बार लंबे डाउन बार ट्रेंड के बाद एक पुलबैक देखने मिला। जब HDFC बैंक 1420 के ऊपर निकलेगा तब ये पुलबैक जो है ट्रेंड रिवर्सल, मतलब बैंक निफ्टी जो डाउन ट्रेंड में था वो बुलिश ट्रेंड में हो जाएगा जब 1420 के ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर ये यहाँ फिर से 1380 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है अगले दिन, तो फिर ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, और ये डाउन ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब हो जाएगा जब ये 1320 के नीचे निकलता है। 1320 के नीचे जाने के बाद ये डाउन ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर जो HDFC बैंक निफ्टी को भी ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का। फिर है ICICI बैंक, लगभग 22% का वेटेज है, सेकेंड स्टॉक है जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 50% HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों है मिला करके। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यही निफ्टी बैंक को स्ट्रॉन्ग बना के रखा था। तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग पुलबैक के बाद ICICI बैंक भी यहाँ पर रेड कैंडल बनाया है, तो ये रेड कैंडल एक्टिव तब होगा जब ये 740 के नीचे ट्रेड करना शुरू होगा, तो ICICI बैंक भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है डाउन बार मोमेंटम दिखा सकता है। और ये पूरी तरह से वीक कब होगा, जब ये 715 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो 715 इसका इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, उसको ब्रेक करने के बाद ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, और पिछला स्विंग लो को जब ब्रेक करेगा तब तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीचे गिर सकता है। तो ICICI बैंक अभी भी फिलहाल स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं किस तरह से ट्रेड करता है। फिर एक्सिस बैंक, ये भी काफ़ी वीक है क्योंकि इसमें भी कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं देखने मिला, कुछ खास यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का साइन देखने नहीं मिला, और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया है जो कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है जिस तरह से बैंक निफ्टी बनाया है। तो यह इसके नीचे जैसे निकलता है तो यहाँ पर 670 के, तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, तो ये बैंक निफ्टी को भी नीचे मूव कराएगा। फिर कोटक बैंक, देखिए कोटक बैंक पिछले वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस वीक से काफ़ी ये वीक हो चुका है। अगर ये यहाँ पर फिर से 1830 के नीचे निकलता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा कोटक बैंक, और ये बैंक निफ्टी को भी काफ़ी ज़्यादा वीक बनाएगा। तो अभी कोटक बैंक फिलहाल साइडवेज है, ना तो ये बुलिश है ना तो बेरिश है, क्योंकि यहाँ पर जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता 1830 के तब तक ये वीक नहीं होगा, और स्ट्रॉन्ग तो तब तक नहीं होगा जब तक ये 1950 के ऊपर नहीं निकलता। तो फिलहाल कोटक बैंक फिलहाल साइडवेज है। पर आता है SBI बैंक, देखिए काफ़ी वीक है चार्ट पर, और यहाँ पर कुछ खास पुल बैक भी देखने हमें नहीं मिला, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया है जो कि दिखाता है कि अगर ये 464 के नीचे निकलता है तो काफ़ी वीक हो जाएगा SBI बैंक, और ये बैंक निफ्टी को भी काफ़ी नीचे लेके आएगा। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूव करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।